एक डरावने भूत की कहानी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक पुजारी दिखता है जो अपनी बेटी के साथ बोट पे जा रहा था। वो बोट चला रहा था लेकिन उसकी स्टिक किसी चीज में पड़ती है जिसकी वजह से एक आत्मा आजाद होती है। पुजारी की बेटी के हाथ से खून निकल रहा था चोट लगने की वजह से, और वो आत्मा इस चीज का फायदा उठाकर पुजारी की बेटी के अंदर घुसती है और आत्मा हंसते हुए जिंदा मछली खा रही थी। पुजारी अपने आगे अपनी बेटी की लाश देखता है, वो बहुत रोता है और उस आत्मा ने पुजारी की बेटी का रूप ले लिया था और पुजारी उस आत्मा को एक कलश में सील करता है। लेकिन आत्मा की खाली शक्तियां सील होती है। पुजारी कहता है, मेरी बीवी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अब तुझे मेरी बेटी बनकर रहना होगा, तू अब कुछ नहीं कर सकती। वो आत्मा ये सब सुन के हंस रही थी। पुजारी उसे अपनी बेटी बना के ले जाता है और सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है। हमें शिरवना नाम का लड़का दिखता है, यो वकील था। उसके पास एक केस आता है, एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन लड़की के पापा बहुत बड़े डॉन थे उस एरिया के। लड़की के पापा आते हैं और लड़की को ले जा रहे थे। शर्वाना भी उन्हें आराम से जाने देता है, वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन जैसे ही शर्वाना को पता चलता है उस लड़की का नाम सेल्वी है, शर्वाना सारे गुंडों को मार के अपनी आंट के जरिए लड़का और लड़की को भगवा देता है। लड़की हैरान थी और इसके बाद शर्वाना की आंट बताती है सेल्वी इसकी बहन थी, पर ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तभी उसके नाम की कोई भी लड़की से मिलती है तो ये उसकी मदद जरूर करता है। और बाद में हमें सेल्वी दिखती है जो अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रही थी अपने पति के साथ। सेल्वी का पति जंगल में जॉगिंग करने जाता है, तभी वही आत्मा वहां आती है और वो सेल्वी के पति को मार देती है और उसका रूप लेकर घर में आती है और पूछती है बच्चे कहाँ हैं। तभी सेल्वी मजाक में किस मांगती है और तभी कुछ लोग आते हैं रोते हुए क्योंकि उन्होंने सेल्वी के पति की लाश देख ली थी। सेल्वी डर जाती है। बाद में रवि नाम के लड़के को सेल्वी की लाश मिलती है लटकी हुई। रवि डर जाता है, उसे सेल्वी की बेटी बेहोश मिली थी। और जैसी ये बात श्रवणा को पता चलती है उसे लोग बताते हैं कि सेल्वी ने सुसाइड कर लिया। जैसी उसे ये पता चलता है कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, श्रवणा शौक होता और जल्दी ही अपनी बहन के घर जाता है। वो घर काफी डरावना था। उस घर में अभी वहां के कारपेंटर और हेड मिस्त्री रह रहे थे और वो कारपेंटर और मिस्त्री बताते हैं हम यहाँ काम करते थे, सेल्वी के पति के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने हमें इस घर का पार्टनर बना लिया, हम पे काफी लोन है इसलिए हमें घर बेचना चाहते हैं। गांव का मुखिया श्रवणा को बताता है सेल्वी का पति उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और तुमसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था इसलिए हमने बॉडी दफना दी। और सेल्वी के पति ने मुखिया से कर्जा लिया था, मुखिया को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए वो ये घर बेचना चाहता था। गांव के फेस्टिवल के बाद श्रवणा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सेल्वी के बेटे और बेटी से मिलता है। सेल्वी के बेटे को आत्मा दिखती है, वो डरता है और सेल्वी की बेटी कोमा में चली गई थी अपनी माँ की डेड बॉडी देखने की वजह से। श्रवणा को काफी बुरा लगता है। और इसके बाद मुखिया की बेटी सेल्वी की बेटी का इलाज कर रही थी घर में क्योंकि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे। मुखिया के पापा बताते हैं मेरी पोती बाहर नहीं जाना चाहती, वो गाँव में ही लोगों का इलाज करना चाहती है। श्रवणा को इस घर में कुछ अजीब लगता है। मिस्त्री प्लान बनाता है कि वो माया को प्रपोज करके उससे शादी कर लेगा ताकि ये घर उसका हो जाए। और सेल्वी के बेटे को भूत दिखता है, वही भूत मिस्त्री को लव लेटर देने से रोक देता है। वो भूत श्रवणा की आंट भी देखती है, वो भी सदमे में जाती है। बाद में मिस्त्री कारपेंटर से कहता है हॉलीवुड का स्टाइल अपनाना होगा, डायरेक्ट किस, और वो माया को किस करने वाला था लेकिन आत्मा उसे गो कहती और मिस्त्री गलती से माया के दादा को किस करता है। श्रवणा अपनी बहन की कब्र के पास जाता है और रोता है और रवि को बताता है मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। और सीन पास्ट में जाता है, सेल्वी सुसाइड कर रही थी क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर पा रही थी। श्रवणा ने अपनी बहन को रोक दिया था सुसाइड करने से और वो कहता है मैं बात करता हूँ पापा से, मैं उन्हें मनाऊंगा और तुम वादा करो कभी सुसाइड नहीं करोगी। उसकी बहन वादा करती है। श्रवणा रोते हुए रवि से कहता है उसे मेरा नाम याद है, उसने मेरा नाम अपने बेटे के नाम पर रखा तो उसे मेरा वादा भी याद होगा ना, वो सुसाइड नहीं कर सकती। बाद में वो पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाला उनकी बात नहीं सुनता और रवि जो मुखिया का बेटा था उसके पास वीडियो फुटेज थी उस दिन की क्योंकि उस दिन वो वीडियो बना रहा था। श्रवण उस वीडियो में एक स्वामी को देखता है, उसे शक होता है। रवि बताता है ये स्वामी तब भी थे जब सेल्वी की बॉडी को दफना रहे थे। श्रवण को स्वामी पे शक होता है। हमें दिखता है स्वामी सेल्वी के घर जाता है लेकिन आत्मा उसे भगा देती है। माया को भी आत्मा दिखती है घर में, वो भी डर जाती है। तभी श्रवणा की कार के सामने कोई अजीब चीज आती है, रवि और वो डरते हैं। श्रवणा चेक करने के लिए बाहर जाता है, उस पे सांप हमला करता है।
शरवना बोचता है। दूसरी तरफ कार में रवि था। कार में धुआं भरता है और हमें सेल्वी की आत्मा दिखती है, जिसे देख के रवि डर जाता है। और जब शरवना कार के पास आता है, कार गायब थी, रवि भी, और उसे कैमरा मिलता है रवि का, जिसमें वापस वही स्वामी दिखते हैं। माया श्रवणा की आंट को बताती है यह भूत है। श्रवणा की आंट डरते हुए बताती है, हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन हमें यह घर बेचना है। अगर भूत वाली बात बाहर निकली तो यह घर कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए चुपचाप रहना होगा हमें। बाद में माया श्रवणा के साथ मंदिर जाती है और फेस्टिवल की तैयारियां देखती है। उसे वहां पे गॉडेस और एक शैतान का बड़ा पुतला भी दिखता है फेस्टिवल के लिए। और उसके बाद हमें मंदिर में वही पुजारी दिखता है जो किसी चीज से हैरान होता है। बाद में श्रवणा को जंगल में रवि की कार मिलती है और उसकी लाश, वो हैरान होता है और पुलिस वगैरह सब आते हैं। रवि के पापा रोते हुए कहते हैं, कल इसका जन्मदिन था और ये क्या हो गया। पुलिस को श्रवणा पे शक था। श्रवणा स्वामी की फुटेज दिखाता है। स्वामी वह आए हुए थे, श्रवणा उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग गए थे। श्रवणा और पुलिस वाले उसके घर जाते हैं। वहां बहुत सारा तंत्र विद्या का सामान था। श्रवणा रवि, सेल्वी और उसके पति की फोटो देखता है, वो हैरान होता है। वहां सेल्वी की बेटी की भी फोटो थी। श्रवणा और डरता है और हमें स्वामी दिखते हैं जो पेड़ पे थे, उनके हाथ में पुलिस वाले की फोटो थी। और बाद में श्रवणा रिसर्च करता है, उसे याद आता है सेल्वी की बेटी का भी बर्थडे आने वाला है। वो डरता है और पुलिस स्टेशन की फाइल में चेक करता है। उसे पता चलता है रवि और सेल्वी की बेटी का बर्थडे सेम डेट और टाइम पे था, जिस दिन फेस्टिवल था उस दिन। वो डरता है, उसे लगता है स्वामी ये सब कर रहा है। और इस बीच स्वामी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। श्रवणा माया को फोन करता है और माया को सेल्वी की बेटी की बॉडी में कोई निशान ढूंढने के लिए कहता है। माया को मिल जाता है और श्रवणा बताता है स्वामी का नेक्स्ट टारगेट वो पुलिस वाला है या सेल्वी की बेटी। श्रवणा माया को सेल्वी की बेटी पे ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद जल्दी पुलिस वाले के पास जाता है, क्योंकि उसकी बर्थडे और टाइम भी सेम था। और वही पुजारी जो हमें स्टार्ट में दिखता है, वो सेल्वी के घर आता है और माया को कहता है, मेरी बेटी मिसिंग है, उसे ढूंढने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे 6 लड़कियों को पत्ते देने हैं, मैंने 4 को दे दिए। वो माया को एक देता है और घबराते हुए अंदर जाता है। आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन पुजारी बच रहा था। आत्मा उसके हाथ पे चोट मारती है लेकिन चोट अपने आप ठीक हो जाती है। वो तो सेल्वी की बेटी को मारने आया था लेकिन आत्मा अपनी पावर से उसे भगा देती है और खींच के बाहर फेंकती है। पुजारी कहता है, इस घर में खतरनाक आत्मा है, सब भाग जाओ यहाँ से वरना कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ स्वामी पुलिस वाले का किडनैप करता है। श्रवणा उसके पीछे जाता है, स्वामी को पकड़ता है और श्रवणा कहता है, मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगा। स्वामी कहता है, मैं इसे मार नहीं रहा, बचा रहा हूँ, जल्दी हटो वरना देर हो जाएगी। तभी एक आत्मा पुलिस वाले की बॉडी में आती है और उस पुलिस वाले की बॉडी उड़ती और एक भाले पे गिरती है। पुलिस वाला मर जाता है। श्रवणा शॉक होता है। स्वामी कहता है, मैंने कहा था ना। और अचानक सेल्वी की बेटी को होश आता है और हमें पता चलता है जो आत्मा सेल्वी के घर में है वो सेल्वी की है, वही अपने बच्चे को बचा रही थी। श्रवणा अपनी भांजी को ठीक देख के खुश होता है। माया भी खुश होती है और मिस्त्री सेल्वी की बेटी को चाकू से धमकाता है। और जब मिस्त्री और कारपेंटर किडनैप करके भाग रहे थे सेल्वी की बेटी का, सेल्वी की आत्मा दोनों को करंट लगाती है। और श्रवणा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ स्वामी पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, पाक नाम का डीमन जिसे मेरे पूर्वजों ने कैद किया था, वो एक पुजारी की वजह से आजाद हो गया। पुजारी ने उस बाघ की शक्तियां सील कर दी और उसे अपनी बेटी बना के ले आए, लेकिन बाघ को पता चल गया उसकी शक्तियां मंदिर में छुपा के रखी हैं। वो एक चोर से कलश चुरवाता है जिससे बाघ को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं, लेकिन उसे अगर अपनी शक्तियां चाहिए तो उसे 3 लोगों की बलि देनी होगी जो फेस्टिवल के टाइम पे पैदा हुए हों। और उसके लिए ही बाघ ने सेल्वी और उसके पति को मार दिया। पर स्वामी पूरी बात बताता है कि उसने पुजारी की बेटी की लाश देखी है और उसके खून के जरिए उसे पता चला कि बाघ आजाद हो गया है। और वो बताते हैं, बाघ ने सेल्वी के पति को मार के उसकी जगह ली और सेल्वी की बेटी को मारने गया बलि के लिए। और हमें वो सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है जब सेल्वी किस मांग रही थी अपने पति से। वो शीशे में देख लिए थी कि ये उसका पति नहीं है, कोई और है। वो डरती है और बाघ उसके बच्चों के बारे में पूछ रहा था। सेल्वी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के साथ वहां से भाग रही थी। वो अपने बच्चे की जान हर हालत में बचाना चाहती थी लेकिन बाघ सेल्वी को मार देता है। और सेल्वी मरते हुए भी अपने बच्चों के सामने स्माइल कर रही थी, उन्हें सच पता लगने नहीं दिया था उसने। और तभी रवि को कुएं में सेल्वी की लाश मिलती है और बाघ सेल्वी का रूप लेके रवि को मारता है। और उसने पुजारी की बीवी और पुजारी को भी मार दिया था और पुजारी का रूप लेके वो सेल्वी की बेटी को मारने आया था, लेकिन वो नहीं मार पाता क्योंकि सेल्वी की आत्मा स्ट्रॉन्ग थी। वो अपने बच्चे को हर हालत में बचाना चाहती थी मरने के बाद भी।
पुलिस वाला स्वामी पे यकीन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे वो जेल में डालता है। वह बाघ आता है, वो सबको मारता है। स्वामी बड़ी मुश्किल से बाघ को भगाता है, उसे भी चोटें लगती हैं। श्रवणा घर आ गया था, वो काफी उदास था। वो कहता है, मेरी बहन की अपनी पसंद से शादी करने की वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और इसलिए जब मेरी बहन हमसे मिलने आई थी तो हमने उसे भगा दिया था, और मैं अपनी बहन को चाह के भी नहीं रोक पाया था। उस टाइम मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन मेरी बहन मुझे नहीं भूली। मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा, उसे कितना बुरा लगा होगा जब उसे अपने बच्चे और पति में से चुनना पड़ा होगा। उसे कितनी दर्दनाक मौत मिली जिससे वो प्यार करती थी उसके हाथों से मरी। वो पक्का मरने से पहले मुझे याद कर रही होगी मदद के लिए, और मैं नहीं कर पाया। सेल्वी की आत्मा सुन रही थी, वो भी इमोशनल होती है। सेल्वी की बेटी सेल्वी को देख लेती है, लेकिन वो श्रवणा को बताने से मना करती है, और इसके बाद सेल्वी की आत्मा माया को अंदर नहीं घुसने देती। श्रवणा को पता चलता है माया के कोट पे खून लगा था किसी का, और सेल्वी की आत्मा उस खून को अंदर नहीं आने देना चाहती थी। और माया बताती है उसने स्वामी मुखिया और पुलिस वाले का इलाज किया है, तो उनमें से किसी का खून है ये। श्रवणा को स्वामी की बात याद आती है कि बाकी जिसका भी रूप लेता है उसका खून अलग हो जाता है। वो टेस्ट करवाता है और वो जल्दी भागता है। मुखिया श्रवणा को गुंडों से पिटवाता है, लेकिन श्रवणा और मुखिया स्वामी की लाश देखते हैं, और हमें पता चलता है बाकी ने स्वामी को मार दिया। और मुखिया बताता है, स्वामी ने मुझे कहा यह फेस्टिवल तभी पूरा होगा जब बाघ पकड़ा जाएगा। बाघ सेल्वी की बेटी को मारने जरूर आएगा, लेकिन सेल्वी की आत्मा उसे पास नहीं आने देगी, इसलिए हमें सेल्वी की बॉडी जलानी होगी ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके और मैं बाघ को पकड़ सकूं, वरना बाघ और लोगों की जान लेगा। मुखिया मान गया था, लेकिन ये सब बाघ का ही प्लान था और बाघ स्वामी की बॉडी में था। वो सेल्वी की बॉडी निकलवाता है, सेल्वी की आत्मा वहां आती है, बाघ उसकी बॉडी जलाता है, और सेल्वी लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियां कमजोर हो गई थी बॉडी जलने की वजह से, और उसकी बॉडी पूरी जल जाती है। और श्रवणा आता है, उसे सेल्वी की आत्मा दिखती है। सेल्वी उससे कहती है, भैया प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। श्रवणा जल्दी माया को फोन करता है और कहता है, मैं वहां आ रहा हूँ, तुम स्वामी को सेल्वी की बेटी के पास मत जाने देना। और स्वामी आता है, श्रवणा की आंट मिस्त्री कारपेंटर सब बाघ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाघ को नहीं रोक पाते। श्रवणा जल्दी आता है और सेल्वी की बेटी को लेके भागता है मंदिर की तरफ। स्वामी आता है, वो बहुत सारे क्लोन्स बनाता है अपने। श्रवणा सेल्वी शैतान के पुतले में थे, और श्रवणा भागते हुए आंख के जरिए सेल्वी की बेटी के साथ जंप करता है, और गॉडेस की मूर्ति के जरिए शैतान की मूर्ति को जलाया जाता है, और गॉडेस बाघ को रोकती है और उसे उस पुतले के साथ जला देती है, और बाघ मारा जाता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।